Hey all you Assembly Blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video I will be talking about my top 5 memories with Jet Airways. So yesterday I was just talking to my cousin. I was just talking to her. Actually we were discussing about my job and kaise sab kuch cheeze start hui, and then main usse bata rahi thi, aur jab main jaise usse bata rahi thi to maine socha ki ये एक अच्छा टॉपिक है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए. एंड आई शुड शेयर माय मेमोरीज व्हाट आई हैव विद जेट एयरवेज, द हाई पॉइंट्स. आई जस्ट वांट टू शेयर थिंग्स व्हिच मेक्स मी फील हैप्पी एंड आई जस्ट वांट टू पास ऑन द पॉजिटिविटी टू यू गाइस. एंड आई जस्ट वांटेड टू जस्ट सिट एंड चिल एंड टॉक टू यू गाइस अबाउट द थिंग्स व्हिच मेड मी रियली इमोशनल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम. सो या, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So number one would definitely be my very first day of training. So of course एक दिन पहले ही हम बॉम्बे पहुँचे थे. सो मेरी ट्रेनिंग बॉम्बे में हुई थी. उस घर में शिफ्ट हुई थी जहाँ मैं अगले 3-4 महीने रहने वाली थी. सो वी वर लाइक 6 ऑफ अस इन वन फ्लैट एंड ओ गॉड, वी हैड सच अ गुड टाइम. सो आई रिमेंबर एक रात पहले वी ऑल वर रियली एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज आर फर्स्ट डे. हमें सिर्फ एक ही वो लड़की थी जो एक्सपीरियंस थी, बाकी हम सब फ्रेशर थे. सो वी वर रियली एक्साइटेड एंड वी एक्चुअली डिडंट नो कि क्या होगा, वॉट टू एक्सपेक्ट. वी वर जस्ट एक्साइटेड एंड रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सरप्राइजेस. एंड एक रात पहले वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे, लाइक द डॉक्यूमेंट्स जो हमें लेके जाने हैं एंड जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है एंड जो उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है एंड वॉट टू वेयर. लाइक it was like you know, it's your first day so you want to look your best, and as they say that first impression is the lasting one. So hum kahin bhi koi gadbad nahi karna chahte, to hum log discuss kar rahe the about the clothes, what to wear and you know hairstyle kaise karna hai aur ye sab kaise karna hai, wo sab cheeze. Okay guys, before I continue talking, please ignore the background noise. I know bahut pa pa ta ta sab ho raha hai, but वाओ ना द कॉल बेल. नेक्स्ट डे हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन था. सो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने थे, लाइक मार्कशीट्स वगैरह जो हमारे जो हमने जितने भी क्वालिफिकेशन हमारे वो सब मार्कशीट सबमिट करनी थी. देन आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट का जेरोक्स एंड देन आपके पेरेंट्स का आईडी वगैरह, सो दैट यू नो आपको, बिकॉज वी गेट द डिस्काउंटेड टिकट्स फॉर आर पेरेंट्स, तो वो सब आपको सबमिट करना पड़ता है. तो वो सब चीज़ें थी एंड देन उसके बाद अब द बैंक डिटेल्स जहाँ पे हमारी सैलरी आनी थी, तो वो तो मतलब बहुत ही ज़रूरी था. तो वो तो बिल्कुल भी मैं मतलब बहुत ध्यान से भरी थी बिकॉज उसी की वजह से हम यहाँ पे हैं. सो या, सो वो सब चीज़ें थी एंड पूरा दिन ऐसे निकला. एंड देन इंट्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर आए, उन्होंने कुछ हमें बताया अबाउट आर कंपनी, कब शुरू हुई, क्या क्या एंड कैसे स्टार्ट किया सब कुछ एंड कितनी फ्लीट्स हैं, क्या हैं एंड कहाँ तक, कितने कितने अकम्पलिशमेंट, जो जो भी चीज़ें उन्होंने आज तक किया है. सो दे गेव अस द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग. सो या, दैट वॉज द फर्स्ट डे. एंड देन आर इंट्रोडक्शन, लाइक वी वर ग्रुप ऑफ 25 पीपल. सो मेरे बैच में 25 लोग थे एंड जनरली हर बैच में 25-25 लोग ही वो लोग डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं. कम हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं होते. देन हम सबका इंट्रोडक्शन, हमारा नाम, हम कहाँ से हैं एंड देन वन यूनिक थिंग अबाउट, मतलब एवरी इंस्ट्रक्टर विल कम टू योर क्लास बिकॉज एवरी टाइम यू हैव अ न्यू इंस्ट्रक्टर. सेफ्टी का अलग है, फर्स्ट एड का अलग है, सर्विस का अलग है, देन आपका ग्रूमिंग के अलग हैं. सो हर चीज़ों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स हैं. तो जब भी कोई आता था हमारी क्लास में, CRM का अलग इंस्ट्रक्टर है. सो वेन एवर एनीबडी यूज टू कम टू द ट्रेनिंग सेंटर, दे यूज टू ऑफकोर्स आस्क अस टू इंट्रोड्यूस आर सेल्व बिकॉज ऑफकोर्स दे डोंट नो अस, वो हमें पहली बार देख रहे हैं. सो वो हमेशा ये कहते थे कि आप जैसे कुछ ना कुछ अलग, लाइक आप अपना नाम बताइए और कुछ एक चीज़ है, एक चीज़ बताओ जो आप कुछ यू वॉन्ट टू चेंज अबाउट योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव अबाउट योर सेल्फ एंड कुछ एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपको प्लस पॉइंट लगता है. फिर कभी कोई आएगा और वो बताए बोलेगा कि अच्छा ठीक है अपना नाम बताओ और ये बताओ कि वॉट इज़ द वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव एवर डन. एंड देन कभी कोई इंस्ट्रक्टर आएगा, वो आपसे पूछेगा कोई एक चीज़ बताओ एंड कोई अपना नाम बताओ और कोई एक चीज़ बताओ जो आप, जो आपका ड्रीम है. और कोई इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपसे पूछेगा कि अच्छा अपना नाम बताओ और ये बताओ कि आफ्टर नेक्स्ट 10 or 5 years वेयर डू यू सी योर सेल्फ. सो इस तरीके से ना जो सेशन जब स्टार्ट होता है, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस.
it's not that same boring start. Like, ki acha naam bataya, kitna experience hai, aur kahan se hai, bas, and then you start the class. It's not like that. It is like, you know, the class starts with a nice note, and then, you know, knowing about each other, and then, you know, when you, like, somebody's telling ki, okay, mujhe lagta hai, mujhe mein ye cheez hai, and I really want to improve this thing about me. So, aapko lagega ki, oh, ye to mere mein bhi hai, and, you know, I'm not the only one. So, like that, you connect with people more easily. That's what I feel. Now also, after so many years, whenever I go for any training, तो हर इंस्ट्रक्टर आएगा एंड दे कम अप विद समथिंग न्यू दैट नाम बताओ और इसके साथ ये चीज़ बताओ कि अच्छा ठीक है अबाउट यू सो विच इज़ वेरी नाइस सो दैट वॉज द फर्स्ट डे एंड इनफैक्ट द होल ट्रेनिंग वॉज रियली रियली वेरी नाइस लाइक आई हैड अ ब्लास्ट नाउ सेकेंड वुड बी माई ग्रेजुएशन डे Oh my god, the day we were waiting for. Matlab, we were so happy, excited, emotional because that going to be the last day of the training. Halanki you are getting released for flying, uske baad you will be flying, jiska aap kaafi time se wait kar rahe the. But then it is the last day of your training and then you know, aap apne jo batchmates hai, aapke jo dost hai, jo aapne banaye hai, itne 3-4 mahino se aap log saath mein hai. So that is the last day of your, that will be the last day. Uske baad pata nahi kab aap sab log saath mein, you know, ek dusre se milenge. Sabko alag alag base milte hain, sab apna apna flying mein, apni zindagi mein lag jate hain. You don't get the time to reunite and to spend that same time which you did in your training days. So of course, वो सब चीज़ें थी and then जो excitement थी सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की थी कि I will be wearing the uniform. I remember हमें training center में uniform पहन के जाना था तो बॉम्बे में तो ऑटो रिक्शा बहुत फेमस है तो उससे सब उसी से ट्रैवल करते हैं मोस्टली एंड जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर था वो बहुत पास में भी था सो वी यूज टू कम्यूट बाय द ऑटो रिक्शा ओनली ओके दिस गाय सो लाइक आई वाज सेइंग कि लाइक आई वाज सेइंग कि कम्यूट हम उससे ऑटो रिक्शा से ही करते हैं तो मैं जब जा रही थी ऑटो रिक्शा में ओके हम ये सब नॉइज को इग्नोर करने वाले हैं एंड यू ऑल आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग ओके आई विद मी ऑलराइट गुड तो मैं जब मैं ऑटो रिक्शा में वो यूनिफॉर्म पहन के भी जाई बिकॉज सच ए ब्राइट येलो कलर एंड देन यू नो उसके गंदे होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं लाइक यू वैन यू वेयर वाइट तो आप कितने केयरफुल होते हो इट्स द सेम विद दैट यूनिफॉर्म विद द जैकेट एंड मैं बहुत संभल के बैठ रही थी एंड यू नो कि कुछ गंदा ना हो जाए कुछ खराब ना हो जाए सो मेरा फोकस सबसे ज़्यादा उसी चीज़ में था एंड व्हेन आई वेंट एंड यू नो वी ऑल वर इन दैट येलो यूनिफॉर्म सो बड़ा अच्छा लगा था देख के एंड देन जो जूनियर्स थे हमसे मतलब एक बेसिकली जो बैच जो अभी तक अभी भी ट्रेनिंग में है और अभी तक रिलीज नहीं हुआ है वो फ्लाइंग के लिए उनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है सो दे वर लुकिंग एट अस एंड यू नो वी वर वेयरिंग दैट लैनियर्ड सो लैनियर्ड जनरली उसी को मिलता है जो क्रू होता है मतलब जब हम लोग जाते हैं सो वी गेट अ बैच सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसमें हमारा बैच नंबर लिखा होता है और हमारा नाम लिखा होता है एंड जो हमारा आईडी होता है जो स्टाफ नंबर होता है वो लिखा होता है तो हमें तब तक आईडीज या एपीज नहीं मिले होते तो वो लैनियर्ड भी हम वी आर नॉट अलाउड टू वेयर मतलब आई रिमेम्बर एक जो मेरा बैच ही था तो उसने लेके आ गया था एयरपोर्ट के पास यू गेट इट सो वहाँ से लेके आ गया था एंड माई इंस्ट्रक्टर स्कोल्डेड हिम लाइक एनी थिंग एंड उन्होंने उसको कहा कि हाउ डेयर आर यू रेडी फॉर फ्लाइंग आर यू सपोज टू वेयर दिस सो आई रिमेंबर दैट सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू आर नॉट अलाउड टू सो इफ समबडी इज वेयरिंग द लैनियर्ड इट मीन्स मतलब आप उनके अच्छे दिन आ गए हैं एंड देन वी डिड द परफॉर्मेंस ऑल्सो हमने एक डांस प्रिपेयर किया था हम पूरी परफॉर्मेंस प्रिपेयर की थी जो कि मतलब इट वॉज हिलेरियस Oh my god, the guys in my batch, they were like 5-6 of them, pathetic. मतलब dance कहते ना मतलब pathetic. Dance तो मतलब dance का D भी नहीं आता तो उनको Oh god, and वो break dance कर रहे थे You know, they actually prepared a piece, break dance का and oh god, मतलब it was so funny, it was really very funny. And हम लोगों ने भी कुछ डांस किया लड़कियाँ तो खैर भी लाइक लड़कियाँ कर लेती हैं पर लड़कों के लिए ओ गॉड मतलब मैंने कहा यार लड़के भी बहुत चिरासत होते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो तुम कौन से जंगल से आए हो मतलब इतना बुरा डांस मैं बता रहे ओ गॉड एवरीबडी वॉज लाफिंग द इंस्ट्रक्टर्स वी हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड बिकॉज नेक्स्ट वॉज आर परफॉर्मेंस एवरीबडी वॉज लाफिंग बट यार इट वॉज वेरी स्वीट एंड आई रिमेंबर सना हुज नाउ वेरी माई वेरी गुड फ्रेंड सो शी गेव मी अ कार्ड which I still have it with me. Wait, I'll just check. I have it. So these are two cards जो मेरे batches ने बनाया था जो उन्होंने दिया था लोगों को and I don't think सबको दिया था but कुछ लोगों को दिया था so
I'm gonna read out this one. So this one, so it is to Nirupma. Neeru, we may be parting ways, but I will always miss you. You are one of the most prettiest and must girls I have come across. Keep up dancing. Patao, patao, hotter guys with your killer looks. Keep in touch. See you soon and never cry. Love you always, Sana. Sanas, yeah, I still have it with me. It was the sweetest thing which happened on my graduation day. So, and then another one is this one. So to Nirupama, try to cry less and earn more. Dollar, dollar, dollar. Be the way you are. Hashtag stay awesome. And then there's this long message. One starts flying with a bag full of luck and an empty bag of experience. The trick is to fill the bag of experience before you empty bag of luck. Best of luck and may your bag of experience be full soon. All the best. Hope to see you soon, Sarang. Sarang, if you're watching this, I still have it with me. So yes, I will always keep this safe and secure because this makes me feel that I had such an amazing time with all the wonderful people. And I love you, Sarang. I love you, Sana. Sana, I love you. You are my jaan. So yeah, so I got this. Graduation ke baad humne bahut saari pictures khichi aur hum log fir ravana ho gaye apni apni raah pe. And my third memory was when I got selected for this event. So now Jerevis held this event in San Francisco. So they selected four girls. Me, I was from Trivandrum base, and then three girls from Bombay. It was surreal for me because I actually did not expect it. Firstly, मैं अपनी picture भेजी नहीं रही थी, and I still remember मेरे घर के पास में एक और crew रहती थी, senior crew, and one day I was sleeping सुबह के 12 बजे तक. उसके 12 बजे के बाद दिन हो जाता है ना. So I was sleeping and then she came and she's like, you know what, Neeru, and she was all decked up, okay? She was all like properly groomed, but the baal, makeup, uniform, sab kuch tha. So maine unse pucha, aap flight ke liye ja rahe ho? She said, no, 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 just click my picture, I have to send it. Makeup where? Bole, no, there is this thing and you know, you have to send a picture. And I had no clue about it. So, you know, and my father was also there and he said, you know, why don't you click your picture and send it to them? I was like, no, I don't want to do it now because now, ek to maine apne sar pe tel laga rakha tha because I had plans to wash my hair next day. So, mere sar pe tel laga hota hai. And then secondly, I was like, you know, I don't want to make her feel like, okay, main kar rahi hu to ye dekha dekhi kar rahi hu, to main kaha mujhe nahi karna. But she herself, she said, you know what, why don't you click your picture and send it? Kya pata tera ho jaye? लाइक अब इन्होंने बोल दिया तो कर ही देती हूँ मैं. सो मैं तैयार हुई और मैंने फोटो खींचा, मैंने भेज दिया. मैं भूल गई. एंड लिटरली आफ्टर वन और टू मंथ्स आई गॉट दिस कॉल एंड देन ऑल्सो आई वॉज स्लीपिंग, ओके, एंड इट वॉज एन अननोन नंबर एंड मुझे पता था बॉम्बे से आ रहा है. सो वी हैव आर हेड क्वार्टर्स इन बॉम्बे. सो मुझे पता बॉम्बे से आ रहा है. आई वॉज लाइक, कौन उठाया अननोन नंबर, सो जाती हूँ. फिर पता नहीं मैंने क्यों उठा लिया वो नंबर. मतलब मुझे पता है अगर कोई और दिन होता, कोई और किस्मत में नहीं होता तो मैं नहीं उठाती उसे. तो मैंने उठा लिया फ़ोन एंड मैं नींद में ही थी और मैंने उठा हेलो. बोले या निरुपमा, दिस इज़ एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम बॉम्बे एंड वी हैव सिलेक्टेड योर पिक्चर. You will be going to San Francisco in the month of December. So you have to apply for your visa and we'll keep you updated with the process and everything. And I was like, what? Matlab, jo kabhi socha nahi maine, to mere se wo ho gaya. And I was very happy, theek hai? I was very happy. Then main gayi, main teen baar literally Trivandrum se Bombay gayi for that process of getting my visa done. And wo sab hua, then main San Francisco गई. हमने तीन दिन थे, हम बहुत घूमे फिरे. I made this beautiful friend, met beautiful people and you know from different countries and different nationalities and then we sit together and you talk and I'm like, हम सब एक जैसे ही हैं. मतलब हम लोगों की सोच एंड यू नो मे बी हम लोग क्रू हैं तो हमारे जो थिंकिंग है वो एक जैसी हो जाती है. बट देन यू नो यू डोंट फील लाइक आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम. एंड इट वॉज वेरी नाइस. इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. वी केम बैक. टॉक अबाउट द फोर्थ वन वॉज अगेन, इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड. सो नाउ हमारे रोस्टर में आया असाइनमेंट, ठीक है, दैट वी हैव टू गो टू बॉम्बे. एंड आई वॉज लाइक क्लूलेस. देन मैंने फिर क्लूलेस देखा, वहाँ पे कुछ नाम देखे तो मैंने उन लोगों को जानती थी, मैंने उनको कॉल किया. तो मैंने उनसे पूछा, मैम आपको पता है क्या असाइनमेंट के लिए दे आर आस्किंग अस टू कम? सो शी इज़ लाइक, आई डोंट नो यार, चलते हैं. वी ऑल वेंट एंड देन
we when we reached there, we got to know that they have called us to felicitate for handling the medical emergency. So we were like, what? See, बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल इमरजेंसी होती है फ्लाइट में, हम लोग उसे हैंडल करते हैं एंड यू नो वट एवर वी हैव लर्नड इन आर फर्स्ट एड, हम सब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं. बहुत बार ऐसी चीज़ें, बहुत लोगों ने बहुत बहुत काम किए हैं, पर यू दे गेट रिकग्नाइज एंड दे गेट फेलिसिटेटेड, बट देन वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हमें ये मौका मिलेगा. तो हमने तो बेसिकली मैंने काठमांडू फ्लाइट की थी और वहाँ पे हम लोग लैंड हो गए थे एंड देर वॉज अ स्टेप लैडर. सो जब सब डिप्लेन हो गए इन टू डेली, सो देर वॉज दिस पर्सन ऑन द टर्मैक, सो ही फेंटेड एंड देन ही स्टार्ट हैविंग फिट्स कन्वर्जन्स. सो वी वेंट एंड वी डिड एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर सपोज टू डू एंड पूरा उनका ध्यान व्यान रखा जब तक मेडिकल एड नहीं आया. एंड देन हम भूल गए उस चीज़ के बारे में, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि टू हेल्प पीपल एंड टू टेक केयर ऑफ देम. तो इट वॉज नथिंग न्यू फॉर अस, बट देन वेन वी रीच ओवर देयर एंड वेन वी गॉट टू नो दैट वी आर बींग फेलिसिटेटेड फॉर दैट, सो इट वॉज अ वेरी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड एंड हमें बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी महसूस हुई कि यू नो आप जब कुछ करते हो बिना ये सोचे कि यू नो मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू जस्ट डू इट without expecting nothing in return, and when you get something, so it is like वो जो खुशी है वो दुगनी तिगनी हो जाती है. एंड वहाँ पे और भी दो सेट ऑफ क्रू आ रखे थे, एक बैंगलोर से, एक आपका बॉम्बे से, किसी ने हार्ट अटैक हैंडल किया सकता था, किसी ने CPR दिया था, तो वो सब क्रू सब आ रखा था. तो इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग. और सोने पे सुहागा ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो क्रू था, वहाँ पे जो एक बैच था उनका ग्रेजुएशन डे भी था, तो दे ऑल वर रेडी एंड दे वर रेडी टू परफॉर्म एंड वी वर देयर लाइक एन ऑडियंस. हमें फेलिसिटेट किया गया एंड उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया, यू नो, एंड द सेम एंड इट वॉज सो नॉस्टैल्जिक. आई वॉज सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज इट वॉज द सेम हॉल वेयर वी परफॉर्म्ड, इट वॉज द सेम क्लासरूम जहाँ हम पहले दिन आए थे. एंड वो जो एक्साइटमेंट एंड जो जैसा भी वो सब फील कर रहे थे उस टाइम पे, वो हम फील कर चुके हैं. एंड यू नो इट वॉज लाइक फ्लैशबैक में जाना, वो सब चीज़ों को दोबारा एक्सपीरियंस करना, इट वॉज ब्यूटिफुल. मतलब बहुत इमोशनल भी था वो मोमेंट, तो बहुत मज़ा आया मुझे. एंड सबने परफॉर्म भी किया, बड़ा अच्छा लगा. एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग एट अस कि यू नो सीनियर क्रू experience crew. Last but not the least, the day when I got trained for CCIC. Now CCIC stands for cabin crew in charge. Now in our company they call it senior cabin crew, पर पहले वो CCIC बोलते थे cabin crew in charge, तो हमें दिमाग में वही register हो रखा है, but now we are known as senior cabin crew. So जब इसकी training आई मुझे, तो I was not sure because बड़ा पढ़ना पड़ता है यार, एंड exams देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ना थोड़ा लोग अवॉइड ही करते हैं. कि थोड़ा मैं आपको समझा दूँ व्हाट इज सीनियर कैबिन क्रू. तो जब लाइक एक प्रमोशन होता जाता है किसी भी फील्ड में, सो व्हेन यू जॉइन यू आर इन ऑनलाइन क्रू, देन यू बिकम सीनियर कैबिन क्रू, देन यू बिकम कैबिन क्रू सुपरवाइजर, देन यू बिकम कैबिन क्रू मैनेजर. सो नाउ ये जो ऑनलाइन क्रू के बाद बाकी जितने लोग हैं, ये सब फ्लाइटें हेड करते हैं. नाउ लेट्स से कि अगर मेरी फ्लाइट में कोई भी कैबिन सुपरवाइजर या कैबिन मैनेजर नहीं है, देन आई विल बी द वन हु विल बी हेडिंग द फ्लाइट बिकॉज आई एम द सीनियर कैबिन क्रू. सो आई विल द वन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, मेकिंग द अनाउंसमेंट्स एंड यू नो अलॉटिंग द वर्क पोजिशंस एंड एवरीथिंग. सो आई विल बी इन चार्ज ऑफ द एंटायर कैबिन, द एंटायर एयरक्राफ्ट. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है. सो यू नो थोड़ा सा डर था, ये सब था. ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में पढ़ना भी पड़ा, एग्जाम्स देने पड़े. पढ़ने तक सब चीज़ें ठीक है, पर जब एग्ज़ाम देना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत डर लगता है, अभी भी बहुत डर लगता है. हालांकि दे विल आस्क यू द सेम थिंग, थोड़ी दो चार चीज़ें और ज़्यादा ऐड हो जाती हैं बिकॉज नाउ यू आर सुपरवाइजर. सो बहुत सारी चीज़ें एज अ ऑनलाइन थ्रू जब आपको नहीं पता होती हैं, वो आपको अब पता चलती हैं. एंड आप दोनों नज़रिए से, आप दोनों यू नो पहले जब आप ऑनलाइन क्रू होते हो, तो आप एक ऑनलाइन क्रू के हिसाब से चीज़ों को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. बट व्हेन यू कम ऑन द अदर साइड, यू कैन एक्चुअली एनालाइज एंड यू कैन एक्चुअली नाप तोल के समझ के, आप दोनों तरीके से, दोनों पोजीशन में रह के, रख के अपने आप को चीज़ों को एनालाइज करके और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो. तो वो सब चीज़ें था. यू नो वॉट, इट इज नॉट दैट जो भी आप सीखते हो, अपने जो भी हमें सिखाया गया, I felt that it was not just pertaining to the job but to life, because in this job you're not working on just on the your laptop or on your desktop or files mein baith ke kaam nahi kar rahe ho, yahan pe actually you're dealing with
ह्यूमन बींग्स, यू नो, चाहे आप क्रू की बात करो, चाहे वो पैसेंजर्स की बात करो, तो यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखते हो अबाउट ह्यूमन नेचर एंड हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड योर पॉइंट और उससे अपना काम निकलवाना. यू नो, बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब बींग अ लीडर इट्स नॉट ईजी. सो दैट्स वॉट वी लर्न एंड दैट्स वॉट वी लर्न एंड जब हमारा, हमें रिलीज करा गया, जब हमारा एक टेक्निकली हमारा जब ग्रेजुएशन डे हुआ दोबारा एज अ सीनियर कैबिन क्रू, देन वी गॉट द की. नाउ वो चाबी जिससे सब ताले खुल जाते हैं. तो बेसिकली जब फ्लाइट में आप जाते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका ड्राई स्टोर होता है, आपका बार कार्ड होता है, आपकी ड्यूटी फ्री जो कार्ड्स होते हैं, सो उसमें चाबियाँ, उसमें ताले लगे होते हैं और उसकी चाबी सिर्फ होती है आपके सीनियर कैबिन क्रू, आपके कैबिन सुपरवाइजर, कैबिन मैनेजर के पास. सो इट इज़ लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, ओके, बिकॉज जो इन सब चीज़ों में ताले लगे होते हैं, बिकॉज ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उस चीज़, उस कार्ड से कुछ सामान निकाल ना ले विदाउट एनीबडीज परमिशन, तो इसलिए उन चीज़ों पे ताला लगा होता है. सो दिस वॉज द चाबी विच आई गॉट. मतलब ऐसी फीलिंग आई थी जैसे वो दिन, अब बड़ी बहू अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है. सो कुछ ऐसी फीलिंग आई थी एंड इट वॉज वेरी नाइस. एंड देन हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सब कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, वॉट यू हैव लर्न. मैं तो बोला, मैंने बहुत बोला, मैं मतलब मैं बहुत बोलती हूँ, जैसा कि मैं बहुत बोलती हूँ तो मैंने बहुत बोला एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, वी ऑल वॉज वेरी हैप्पी. एंड आयरॉनिकली जितने भी बैच में जितने भी क्रू थे वो सारी लड़कियाँ थी, मतलब एक भी लड़का नहीं था. और ऐसे ऐसा बहुत रेयर है होना. तो हमारे इंस्ट्रक्टर भी बोल रही थी कि यू नो गर्ल पावर एंड यू नो गर्ल एम्पावरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी हमारे बैच में, विच वॉज नाइस. एंड देन हमने वी गॉट दिस केक, चॉकलेट केक, इट वॉज डिलीशियस, इट वॉज लाइक यमलेशियस, बहुत टेस्टी था वो. एंड हमने कहा ना एक दूसरे के चेहरे पर लगाया, वो सब किया एंड वो वॉज फन. तो दीज आर माई टॉप 5 मेमोरीज विद जेरी वेज. एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माई क्रू, my batches for making it so memorable for me. Without you guys, ye memories itni memorable hoti nahi. So thank you all. If you guys are watching, I love you all of you. And yeah, thank you guys for watching this entire video and liking my videos and appreciating my work, means a lot to me. And yeah, that's all what I want to say. And if you like this video, make sure you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I'll upload a video. And yeah, that's all for today. I hope to see you until next time. Take care.